वापस एक बार आप सभी का स्वागत है एक खतरनाक व्लॉग के अंदर। और गाइस आज मैं बनने वाला हूँ माइनक्राफ्ट का स्टीव। 24 आवर्स हम लोग एज अ स्टीव बनने वाले हैं। भाई जिन लोगों ने माइनक्राफ्ट के लिए उन सभी को पता है स्टीव क्या चीज है, क्या क्या करता है। जिन्होंने नहीं के लिए वो भी देख लो, थोड़ा सा फन हो जाएगा। ये व्लॉग से ज्यादा आपको वीडियो जैसा लगेगा मे बी, लेकिन मुझे सबसे पहले चाहिए होंगे स्टीव के कपड़े। तो पहले स्टीव के कपड़े ढूंढने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मुझे याद नहीं कहाँ पे। ये काफी पुराना आइडिया है हम लोग का, बट आज मुझे लगा आज टाइम मिला है तो करते हैं यार। हम लोग स्टीव बनेंगे, अच्छे वाले स्टीव बनेंगे, एंडर ड्रैगन को हराएंगे। लेकिन एंडर ड्रैगन कहाँ पे आएगा यार, पता नहीं। मतलब आसमान में तो यहाँ पे बादल ही है। ये यहाँ पे मोस्टली विकास के यहाँ पे कपड़े पड़े वो वाले, वो ढूंढता हूँ मैं जल्दी से। भाई इतने सारे कपड़े कैसे ढूंढूं, काफी टाइम लगेगा ये सब करने में मुझे। के कपड़े ढूंढना आपको लगता है उतना आसान काम नहीं है गाइस। ओके, ये स्टीव की पैंट मिल गई है मुझे, ठीक है। अभी कपड़े तो मिल गए, हम लोग विकास के पास चलते हैं, क्योंकि स्टीव बोल नहीं सकता इसलिए हम लोग को जल्दी से उसके पास चलना पड़ेगा। किसी को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने को। स्टीव बनना है मुझे, चल। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोगों ने इसको बना दिया स्टीव, और आपको पता है ये स्टीव बोल नहीं सकता। स्टीव को आरओ के पानी की जरूरत क्या है? गाइस स्टीव तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ईशान बोल सकता हूँ, इसलिए मैं बाद में आया हूँ यहाँ पे मैजिकली। और गाइस क्लीन पानी की जरूरत हर किसी को होती है, इवन स्टीव को भी है, मुझे भी है। इसलिए हम लोगों ने लगाया है ये न्यू प्योर स्मार्ट का आरओ वाटर प्यूरिफायर, जो कि एक्चुअली एक नए टाइप के मॉडल पे बेस्ड है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। इसलिए आपको जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, हमेशा जो वाटर प्यूरिफायर नॉर्मल जो वाटर प्यूरिफायर लेते हैं उसका 10-15 हज़ार कॉस्ट तो आ ही जाता है। साथ ही में यार मेंटेनेंस करना पड़ता है उसका, हर साल में भी आता है, कभी कभी मल्टीपल टाइम्स भी करना पड़ता है, उसके भी 4-5 हज़ार चले जाते हैं। इवन हम लोग जो कैंस लेते हैं, पानी वाले कैंस आते हैं बड़े बड़े, वो आपको लगेगा कि भाई सस्ते बटे, लेकिन नहीं भाई, वो भी इससे महंगे पड़ जाएंगे। उसका 600 से 700 रुपए आपको पड़ जाएगा मंथली, और इवन यार उसको उठाना पड़ता है, उसकी क्वालिटी भी चेक नहीं होती, सीधा प्राइसिंग पे आते हैं। इनका जो बेस प्लान है उसमें आपको यार मंथली 425 रुपीज की प्राइसिंग पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप एनुअल प्लान लेते हो तो काफी ज्यादा बचत हो जाती है, 375 में पड़ जाएगा। इसके प्लान में मेंशन होता है कि आपको कितने लीटर्स पानी मिलने वाला है, जैसे स्पेस वाले में 117 लीटर्स मिलेगा, उसके बाद का जो एक्स्ट्रा यूसेज होगा उसको 3 रुपीज पर लीटर पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर आपने पिछले महीने में थोड़ा सा पानी कम यूज किया होगा तो वो ऐड होगा नेक्स्ट महीने में, ऐसा नहीं कि वो पानी वेस्ट चला जाएगा। तो यार अपना ही फायदा है यहाँ पे, और ये ट्रैक करता है यूसेज कि आपने कितना पानी यूज किया है डेली, तो उसमें भी टेंशन की बात नहीं है। ये सिल्वर वाला प्लान यार छोटी फैमिलीज के लिए और बैचलर्स के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि यार लिमिटेड वाटर मिलता है। बट अगर आपकी नीड ज्यादा है तो इनका यार अनलिमिटेड प्लान भी है, 525 रुपीज पर मंथ का पड़ जाएगा अनलिमिटेड वाटर यूज का, वो काफी सही है बड़ी फैमिलीज के लिए या फिर जिनका यूसेज ज्यादा है। अस्तु तो डायमंड ढूंढने जा, तब तक मैं इनको और भी समझाता हूँ उसके बारे में। तो इसमें जो मंथली प्लान है, इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा पे करना है वो सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, शुरू में पे करना पड़ता है 1 टाइम 1499 का, लेकिन ये 100% रिफंडेबल है। लिप्योर स्मार्ट यार काफी सारे सिटीज में अवेलेबल है, इंडिया के टीयर 1 सिटीज में सभी अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई, पुणे, कोलकाता, ये सारे के सारे सिटीज में अवेलेबल है ये। एंड इनकी डिलीवरी भी काफी तेज है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था उसके नेक्स्ट डे पे सुबह आ गया था, और 24 आवर्स के अंदर, लाइक जब आ गया था उसके भी 24 आवर्स के अंदर ही इसका इंस्टॉलेशन भी कर लिया, काफी तेजी से कर लिया भाई, काफी बढ़िया सर्विस लगी मुझे। इंस्टॉलेशन डिलीवरी सब कुछ फ्री है, इवन जो मेंटेनेंस है लाइक फिल्टर रखकर आपका यार उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई फिल्टर के साथ कुछ इश्यू है, या फिर इवन प्यूरीफायर के साथ, मशीन के साथ कुछ इश्यू आता है वो भी उनको पता चल जाएगा, आपको कॉल करेंगे और शेड्यूल करेंगे कि भाई कब आपको इसको ठीक करवाना है या कब इसका मेंटेनेंस करवाना है, उसकी कॉस्टिंग आपको कुछ भी नहीं देनी पड़ती। गाइस इवन आप सिटी में कहीं पे भी मूव करते हो तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि यार फ्री आपको रिलोकेशन करके देंगे। मेरी तरह यार इनके 10 लाख से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, लेकिन अगर आप इनसे यार खुश चाहिए तो 7 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलता है। यहाँ पे देखो ये वाला मेरा प्यूरीफायर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया गया है मैंने, तो यहाँ पे दिखा देता है कि कितना मेरा पानी रिमेनिंग है, 163 लीटर अभी बचा है, क्योंकि यार पिछले महीने का ऐड हो चुका है इसमें। इधर फिल्टर की लाइफ भी दिख जाएगी, इधर मेरा प्लान कौन सा है वो भी इन लोगों ने दिखाया गया है। रिफर करके भी यार आप अर्न कर सकते हो, यहाँ पे देखो डेली कंजम्पशन भी मुझे दिख रहा है चार्ट के, इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी यूज करना है, यहाँ पे ऐड लीटर्स करके भी आप पानी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ये वाला जो मेरे पास पर्टिकुलर मॉडल है ये बोल्ट वाला है, इनका दूसरा मॉडल आता है झिंगर सीयू हॉट वाटर वाला मॉडल, जिसमें हॉट वाटर भी मिल जाता है और कॉपर इन्फ्यूज्ड वाटर मिल जाता है। तो गाइस आपको लिव प्योर स्मार्ट के साथ मिल रहा है क्लीन
एंड स्मार्ट वाटर, तो जल्दी से जाके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको चेकआउट कर लीजिए। इवन अगर आपको खुद के लिए उसकी जरूरत अभी नहीं है तो भी यार आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्या पता उनको जरूरत पड़े और वो आपको दुआ दे दे, भाई अच्छी बात होती है। ठीक है, अभी यार ये स्टीव कहाँ गया यार पता नहीं चल रहा है। अभी देखते हैं ये कहाँ पे डायमंड ढूंढ रहा है। ओए यहाँ पे क्या कर रहा है तू भाई? ये तो घर में डायमंड ढूंढ रहा है या बना रहा है? भाई सही में ये प्रिंट कर, अरे चीटिंग कर रहा है, रिपोर्ट करो रिपोर्ट। पर डायमंड क्यों निकाल रहा है तू ये तो बता भाई, ये तो घर बैठे बैठे छाप रहा है। बट ये बनाई क्यों तूने? किसको मारने के लिए? यहाँ पे कौन है? ए मुझे क्या मार रहा है, मैं जा रहा हूँ फिर, बाय बाय। या क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे मम्मी मारेगी, वो छोड़ इधर आ, ग्रास ब्लॉक निकाल। बट क्यों चाहिए तेरे को? क्यों ऐसे थोड़ी करता है भाई? ये देखो ये बंदा सॉल्ट से ग्रास ब्लॉक निकाल रहा है, निकलता है ना एक्चुअली भाई, कितना मेहनत कर रहा है ये देखो। वो देख क्रीपर है वहाँ पे, जा उसको मार। इतना चुभने लगा हूँ सबको। अरे तो फुटेल ना। चल तेरे को आज डायमंड बूट्स देता हूँ। ऐसे थोड़ी हाथ करता है सस्ता स्ट्यू तू। पहली बात, एक मिनट रुक, ओ स्ट्यू जैसा चल। एक चैलेंज है, वाटर बकेट ट्रिक करके दिखा उधर से। बहुत प्रो है ना तू, बहुत सारे वीडियोस है ना, जाकर जा बकेट ला, तू ही बनाएगा सब। ये पत्थर क्यों लाया? अरे ओ भाई इसने तो पिकेक्स लाई यार, पीछे क्रीपर ही। अरे जान दे उसको, मर गया वो भाई। इसने तो स्टोन की पिकेक्स बनाई, बट ये देसी पिकेक्स क्यों लग रही है? ओ क्या कर रहा है, खराब मत कर भाई। स्टीव या गधा है तू, गधे जैसा। ये भाई मम्मी मारेगी ना, ये पक्का मार खाने वाला है भाई। ये देखो बंदे को बकेट मिल गया। रुको कहाँ जा रहा है? ए भाई उधर क्या कर रहा है? नीचे वहां से नहीं कूदना है, मर जाएगा। गेम वाली वाटर बकेट अलग होती है नुगड़े। वहां तू रिस्पॉन होगा, यहाँ नहीं होगा। आ जा यहाँ चढ़ जा भाई। ये देखो आधा ब्लॉक, आधे ब्लॉक से करने वाला। ये देखो कितना डर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। गाइस अभी हम लोग स्टीव को ना एक चैलेंज देते हैं छोटा सा। ये देखो भाई ये तो आपको याद ही होगा, रुको उसको इस पे बिठाते हैं भाई। बहुत ही मेरे हाथ से पकड़ने के लिए। ओ स्टीव क्या कर रहा है? ये ले तेरे लिए एक चैलेंज है, ये इस पे चल भाई। बहुत ही भाई ये देखो हेल्प लग रहा है स्टीव को। गेम में भी ये डाल दे क्या बता दो? कहाँ जा रहा है? घर पे टुकेगा क्या? आ जा। भाई स्ट्यू तो ये मॉडर्न है एकदम सही में। गाइस बहुत टाइम हो गया मैंने देखा नहीं कि ये नुबड़ा क्या कर रहा है और इसका माइनक्राफ्ट का चैलेंज कैसा चल रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है, और भाई इसको एक चैलेंज देते हैं। जरा फनी चैलेंज है, कहाँ ये? ओए स्ट्यू कभी बैठ सकता है? खड़ा हो, बैठ गया आराम से। स्ट्यू कैसे बैठता है दिखा। तो यहाँ कैसे बैठा तू, यहाँ कैसे बैठा? बैठ क्या रहा है? चल सुन, मेरे पास एक चैलेंज है, करेगा पक्का? हार गया तो दो लाथे मिलेगी। तू ना गेम खेल के दिखा, ना माइनक्राफ्ट खेल के दिखा स्ट्यू। भाई ये देखो असली स्ट्यू नकली स्ट्यू को खिलवाएगा अब। अरे स्ट्यू को उंगलियां भी नहीं होती ना, इसलिए तो मैंने इसको ये चैलेंज दिया, बिना उंगली के खेलेगा। ये देखो और ये ले स्ट्यू दिखा, स्ट्यू दिखा नुबड़े। ओ भाई ये देखो यहाँ पे नकली स्ट्यू, नहीं उल्टा, ये असली स्ट्यू है, ये नकली स्ट्यू है। भाई ये सही में खेल रहा है यार बिना उंगली से। गाइस मुझे नहीं लगा था ये खेल पाएगा, बट ये खेल रहा है। बट करेगा क्या ये इसमें पता नहीं, क्योंकि उंगलियां ही नहीं, ये ऐसे ही भागते रहेगा तो क्रीपर भी मार देगा। बट ये तू बैठा कैसे फिर से? उठ उठ उठ, क्राउचो। चल अब भी लगा ना मजा, अब भी ये देखो नहीं बैठा है। सही में ये देखो लकड़ी वगैरह तोड़ रहा है। एक पिकेक्स बना के दिखा, चल क्राफ्टिंग टेबल बन चुका है और उसके बाद में अभी स्टिक्स भी हो गई है, और अभी इसको करना पड़ेगा स्टोन माइन। भाई इसने वुडन पिकेक्स भी बना लिया अभी स्टोन पिकेक्स बनाने के लिए। ओके ये लो भाई स्टोन भी माइन कर रहा है ये तो आराम से। यार बना दी रे इसने, ये देखो इसने स्टोन की पिकेक्स बना दी, ये कर लिया यार इसने चैलेंज। भाई ये देखो इसको बोलते हैं नकली स्ट्यू, लिटरली खाना ढूंढने के लिए किचन में आ गया भाई। असली स्ट्यू होता तो जंगल में जाता।
सही में वैसे ही आवाज आ रहा है। अरे स्ट्यू बिना मुंह खोले खाता है भाई, इसने तो मुंह खोल के खाया। आपने कभी देखा है स्ट्यू का मुंह खोलता हुआ? बताओ, जल्दी से डे टाइम कर दे। सुबह हो गई, चैलेंज खत्म हो गया गाइस। फाइनली यार मैं बोल पा रहा हूँ। स्ट्यूब पे यार अपडेट लेके आओ यार, मुझे एंगल कि वो बोल सकता है। मैं थक गया, बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बोलता हूँ भाई, लाइक कर दो इस व्लॉग को, व्लॉग या वीडियो जो भी आपको समझना है समझो। सब्सक्राइब कर रखो क्योंकि ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ खतरनाक वाले आइडियाज हम लोगों ने सोचे हैं आगे के। भाई डेफिनेटली देखो, मैं गारंटी देता हूँ वो वाले आपको पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।